धार की भोजशाला में महाराजा भोज स्मृति वसंत उत्सव का आयोजन हुआ और आपको बता दें कि इस बार 14 फरवरी से 17 फरवरी तक ये आयोजन होना है। इसके लिए आयोजन समिति ने व्यापक स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं। आयोजन में मां बांग देवी की भव्य स्तर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा मोतीबाग पहुंचेगी जहां पर धर्म सभा भी की जाएगी। फिर धार भोज उत्सव समिति एवं गौशाला मुक्ति यज्ञ के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले बसंत उत्सव के कार्यक्रम 14 फरवरी को सुबह भोजशाला में यज्ञ प्रारंभ होगा और इसी के साथ आयोजन का दौर शुरू हो जाएगा। इसके लिए आयोजन समिति ने व्यापक स्तर पर तैयारी कर ली है। मां बाग देवी की भव्य स्तर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा मोती बाग चौक पहुँचेगी जहाँ पर धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। 1034 में माँ सरस्वती कंठाभरण ऐसा स्थान धार में स्थापित किया था जहाँ माँ वागदेवी की प्रतिमा को स्थापित किया था, जिसे हम वर्तमान में भोजशाला के नाम से जानते हैं। जिस विचारधाराओं को लेकर राजा भोज ने इस स्थान का निर्माण किया था, यह संस्कृत की पाठशाला थी। जैसे तक्षशिला, नालंदा, शांतिपानी आश्रम जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ पर संस्कृत के आचार्य तैयार होते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण। यह 5000 विद्यार्थियों का आवासीय विद्यालय था। 15 फरवरी को वसंत उत्सव के तहत मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें महिलाएं भोजशाला पहुंचकर पूजन आरती और हवन करेंगी। इस दौरान शिवाजी के राज्याभिषेक पर आधारित नाटक का मंचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले भर के लोग प्रतिवर्ष शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। बसंत पंचमी के उत्सव को देखते हुए धार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर छात्रों को कंठ भरण शिक्षा भी दी जाती है। INS 24/7 के लिए धार से लोकेश ब्राइट।